अपन चल रहे थे जनरल प्रविष्टि में। जनरल प्रविष्टि में मिश्रित प्रविष्टि हो गई थी और बैंक संबंधी हो गई थी या अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ हो गई थी। अब प्रविष्टियों के बाद आती है खतौनी, खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी। इसको बोलते हैं लेजर। खतौनी क्या होती है, ये वर्गीकरण है। अपन ने जनरल प्रविष्टि की, जनरल प्रविष्टि में एक दिन में अगर मान लो 100 लेन देन होते हैं तो 100 लेन देनों को एक साथ लिखा जाता है। अब किस व्यक्ति ने किस समय क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने पैसे लिए, कितने पैसे लिए, कितने अन्य व्यय हुए, इनको एक साथ लाने के लिए यानी उनका संक्षिप्त रूप करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है और इस वर्गीकरण को ही खतौनी बोलते हैं। इसमें दो चीज होती है, पहली कि एक जो मद होती है एक मद का एक ही खाता खुलेगा, एक ही खाता खुला जाएगा चाहे वो कितनी बार ही आया हो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक मद का एक ही खाता खुला जाएगा और प्रत्येक मद का अलग अलग खाते खोले जाएंगे। जैसे कैश का अलग खुलेगा, बैंक का अलग खुलेगा, परचेजेस का अलग खुलेगा, यानी कोई भी मद ऐसा नहीं दो मदों को मिला करके एक खाता खोल दिया जाए, हमेशा अलग अलग मदों को अलग अलग खाता खोला जाए। और दूसरा, एक जैसे मद को, एक ही मद को एक बार खोला जाएगा। जैसे आपका कैश अकाउंट दिया टू सैलरी, एक प्रविष्टि यह है, एक है वेजेज अकाउंट दिया टू कैश सेल्स, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन। तो यहाँ कैश, यहाँ भी कैश है, इसमें भी कैश है, इसमें कैश, तो इन सबको मिला करके कैश का एक ही अकाउंट खुलेगा। सेल्स का एक खुलेगा, वेजेस का एक खुलेगा, कमीशन का एक खुलेगा, इन सबका अलग अलग खुलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन वर्गीकरण, यानी खाता बही में खतौनी करना। अब इनको कैसे करते हैं, क्या क्या लोग प्रारूप होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें होती हैं, इसमें डेट पर्टिकुलर्स जे एफ और अमाउंट, इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जे एफ और
जिस खाते को खोला जाता है उसका नाम आता है, जो भी खाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हम डेबिट साइड की एंट्री का अकाउंट्स खोलते हैं, जो डेबिट है डीआर है, तो डेबिट साइड की एंट्री का खोलेंगे तो उसको याद करके उसके विपरीत पक्ष में प्रविष्टि की जाएगी। जैसे एग्जांपल है, अपनी कोई एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल 1,00,000, अगर हम यहाँ कैश अकाउंट खोलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट है कैश, तो किधर दिखेंगे? क्रेडिट साइड में, सीआर साइड में क्या दिखेंगे? दूसरे खाते का नाम दिखेंगे। टू कैपिटल कितना? 1। विपरीत खाते का नाम लिखेंगे, विपरीत खाता क्या है? क्रेडिट, तो किधर लिखेंगे? डेबिट। ठीक, अब इसी तरह यदि कैपिटल का खाता खोलेंगे तो कैपिटल कौन सा है? क्रेडिट साइड, और इसके विपरीत खाता कौन सा है? कैश, वो कौन सा है? डेबिट। तो इसको यहां लिखेंगे बाई कैश। कैश का अकाउंट डेबिट है, इसके विपरीत खाता कौन सा है? कैपिटल, तो टू कैपिटल डीआर साइड में। कैपिटल का खाता सीआर साइड में, इसके विपरीत खाता कैश है, तो इसको सीआर साइड। इस तरह खाता डेबिट होता है। इसमें सबसे पहले डेट, जिस डेट को लेन देन होता है उसको लिखा जाएगा। पर्टिकुलर विपरीत खाते का नाम, जो उसके उल्टा होता है उस खाते का नाम, और जो जेब होता है ये लेजर का पृष्ठ संख्या होता है, जनरल कॉलम, यानी जो हमने जनरल बनाई है, जो हमने जनरल एंट्री की है, ये कितने प्रश्न पर है उस प्रश्न की संख्या लिखी जाती है। अमाउंट हमेशा खाते का लिखा जाएगा, जिस खाते को खोला जा रहा है उसके सामने जो भी अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा। कैपिटल का नहीं, कैश का, कैश का खाता बना रहे तो अमाउंट किसका होगा? कैश का होगा। कैपिटल का खाता बना रहे तो अमाउंट किसका होगा? कैपिटल का होगा, क्योंकि जो मिश्रित प्रविष्टि होती है उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे? हाँ, तो ये डेबिट साइड में भी ये बदले और क्रेडिट साइड में भी यही बदले। जैसे सबसे पहले कैश का अकाउंट खुलेगा, ये मान लो 2019 जनवरी 1। क्रेडिट, कैश के विपरीत खाता कौन सा है? टू राम 2019 जनवरी 1 टू
यानी राम के आगमन और मन के जो है वो नहीं आएगा। किसके आ जाएगा? कैश के आगमन होते हैं। दूसरा अकाउंट होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट के रूप में टूटाव है 2019 जनवरी 1 पूरा डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। तीसरा है राम का अकाउंट, चलो जनरल एंट्री कर लेते हैं, फिर जनरल एंट्री होगी खाता वही में खत्म होगी। तो कोई भी क्वेश्चन दे देना, ये है आपका 2019 डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री होती है मान लो कैश अकाउंट दिया टू कैश, उधार खरीदा मान लो एक्स से खरीदा कितने का 20 जनवरी 8 माल बेचा कैश अकाउंट दिया टू सेल्स कितने का बेचा 25 का बेचा। अब एक्स को भुगतान किया क्योंकि एक्स से माल खरीदा जनवरी 10 एक्स अकाउंट दिया टू कैश कितना 20।
मान लो चार पांच और भी हो सकती हैं, 13 तारीख को किराया चुकाया, बैंक अकाउंट दिया टू कैश, अब ये जनरल एंट्री है। अभी जनरल एंट्री में हम मान लो सबसे पहले किसका अकाउंट बनाएंगे, कैश का। ये ध्यान रखने की है कि एक कैश का एक बार अकाउंट बनेगा, तो उस कैश में ये एंट्री भी आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी। ये कैसे आएगी, जैसे ये आपने लिख दिया, अब मैं लेजर बना रहा हूं इसका, ये आपका कैश है, दो हजार उन्नीस सबसे पहले था कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो जनवरी एक टू कैपिटल कितना था, 50,000। फिर अपन ने 30,000-25,000 रुपए का नगद माल बेचा, तो जनवरी 5/22 ये माल नगद बेचा, तो जनवरी 5/2 सेल्स मान लो 25,000 रुपये का माल। एक्स को भुगतान किया था जनवरी 8/22 एक्स कितना, 20,000। किराया चुकाया था तो रेंट अकाउंट या टू कैश 22 एक्स कितना। अब यानी कैश की समस्त प्रविष्टियां एक ही स्थान पर इकट्ठी हो गई, जितनी भी कैश की जनरल एंट्री थी, कैश आया इधर और कैश गया, जो भी हमारे पास कैश आएगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी कैश जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये अपना आप ही स्वतः ही लेजर बन जाती है। यदि आपकी जनरल प्रविष्टि सही है तो आपको लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जैसे मान लो कैपिटल का ये सीमा अकाउंट सब कैसे बनेगा, यानी ये कैसे बार बार बढ़ा हुआ केवल एक बार बढ़ेगा। इसी प्रकार कैपिटल कैपिटल इसके कॉलम आपको अलग अलग बनाना है, बीच में जगह छोड़नी है, फिर जैसे तो दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, यानी ये क्रम से बनते जाएंगे, एक साथ सभी को नहीं बनाना। पहले जैसे कैश का बना दिया, उसके बाद जो दूसरी एंट्री है उसका बना दें, फिर तीसरी एंट्री, ये क्रम से बनाना है। और ये हो गया तुम्हारा 2019 जनवरी 1/22 कितना लगा कर व्यापार प्रारंभ किया। इसके अलावा कैपिटल की और कोई प्रविष्टि नहीं। इस तरह सभी प्रविष्टि जितनी भी होंगी उन सबका लेजर इसी बनेगा। तीसरा है जैसे मान लो आपने इसमें जनरल एंट्री में था परचेज का, परचेज अकाउंट
परचेजेज अकाउंट में आपने माल खरीदा किससे, एक्स से, तो एंट्री थी परचेजेज अकाउंट और टू एक्स 2019 और तारीख जो भी थी आपकी 4/5 जो भी थी 5 बाई परचेजेज, सॉरी परचेजेज अकाउंट या टू एक्स कितने का माल। और भी यदि हम नगद में खरीदेंगे टू कैश टू ये जो भी है कॉन्ट्रैक्ट से शाम से मोहन से जो भी खरीदेंगे उनके नाम आते जाएंगे। इस तरह अपन को प्रत्येक जनरल की लेजर बनानी है। अभी अब कोई क्वेश्चन होता तो मैं ये क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली बता देता कि एक पूरे क्वेश्चन को कल बताएंगे कैसे उसका जो लेजर बने। लेकिन यह है कि प्रत्येक हमेशा ध्यान रखना, दो तीन गलती होती है इसमें, कैश का एक बार पड़ेगा, कैश आता है डेबिट, कैश जाता है क्रेडिट, कैपिटल हमेशा एक बार जाती है, कैश आएगा क्रेडिट। यानी दूसरा परचेजेज, यदि हमने परचेजेज से संबंधित जितनी प्रवृत्ति नगद हो उधार हो जो भी परचेजेज किया जाएगा वो सब डेबिट साइड में आएगा। इसी प्रकार सेल्स है, सेल्स किसका आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। ये सब जनरल निश्चित होते हैं लेजर, लेकिन फिर भी हम जनरल प्रविष्टि के द्वारा ही बनाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी ऐसा आपको नहीं छोड़नी है जनरल एंट्री, ठीक है। कल बता दूँ।